सो गाइज, आज नूर की मॉर्निंग स्टार्ट हुई है सुबह 9:30 बजे से। 9:30 बजे उठते ही उसने अपनी फीड ली। फीड लेने के बाद अभी डैडी उसको बर्प करा रहे हैं, बिकॉज डैडी भी साथ साथ उठ गए हैं। और अब नूर की आईज़ क्लीन होंगी, क्योंकि नूर को ये गंदा गंदा आईज़ पे आया हुआ है ग्रीन ग्रीन थिंग इनसाइड से आउटसाइड, इनसाइड से आउटसाइड बहुत जेंटली। डन, दिखाओ अपनी ब्यूटीफुल आईज। एंड ये भैया की गुड मॉर्निंग हो रही है नूर के साथ, इतनी किसेस मिलती है नूर आपको तो माय गॉड मम्मा को भी नहीं मिलती। सो गाइस, 10:30 और अब नूर अपनी नेक्स्ट नैप ले रही है। नूर को सुलाने के लिए बस वॉक करो और वो सो जाती है गोदी में ही, बट एक बार जब वो डीप स्लीप में चली जाती है फिर आप उसे लिटा दो, फिर वो आराम से सोती रहती है। तो अराउंड 10 मिनट्स लगते हैं उसे डीप स्लीप में जाने के लिए। अभी वो आराम से अपना नैप लेगी, जो मिनिमम 40 मिनट्स तो लास्ट करेगा। सो गाइज, एक शॉर्ट नैप लेने के बाद नूर उठी है और अब उसका दूध का टाइम हो गया है। मॉर्निंग के टाइम में वो टिपिकली एवरी 2-2.5 आवर्स में मिल्क डिमांड करती है। यहाँ पे वो ब्रेस्ट मिल्क ले रही है, मैं एक्सप्रेस करती हूँ पंप के थ्रू और हम उसे ब्रेस्ट मिल्क देते हैं। तो 70% वो अभी ब्रेस्ट मिल्क लेती है और 30% फॉर्मूला लेती है और बॉटल फीड ही लेती है। बट अभी वो दूध पी रही है। उसके बाद यहाँ पे चल रही है डैडी और नूर की मस्ती, और मेरी इस टाइम पे क्लास चल रही थी कबीर के साथ, तो मैं वहाँ होती हूँ। तो ये दोनों मस्ती कर रहे हैं। मस्ती करने के बाद कई बार होता है कि वो एक छोटा सा नैप और ले लेती है, उसके मूड के ऊपर है। अदरवाइज थोड़ा बहुत मस्ती करके उसका टाइम हो जाता है मसाज का। तो यहाँ पे उसकी मसाज स्टार्ट होती है जो अभी दे रहे हैं डैडी। वैसे हमने मालिश वाली आंटी भी लगाई हुई हैं, बट अभी ओमिक्रॉन के चक्कर में इस टाइम पे नहीं आ रहा है कोई, तो फिर डैडी नूर को इस टाइम में मसाज करते हैं। वैसे उसकी मसाज दिन में 2 बार होती है, वो आप रात को भी देखोगे, तो रात वाली तो सौरभ भी करते हैं और अभी वाली भी डैडी को करने को मिल रही है, जो नूर बहुत इंजॉय करती है। एंड गाइज, मसाज के टाइम पे ही हम टमी टाइम ज़रूर देते हैं, बैक मसाज हो जाती है और अच्छा सा स्ट्रेंथ बिल्डिंग होती है। अभी नूर जो है थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर रही है और उसका मूड होता है, कभी वो बहुत अच्छे से ले लेती है, कभी वो थोड़ा सा ऐसे करती है, बट इट्स ओके, देना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, मसाज हो गई, अब नूर वापस से ड्रेसअप हो रही है। अब हम 1 घंटा, मतलब उसकी नेक्स्ट नैप से जब वो उठेगी तब तक ये ऑयल बॉडी में रहने देते हैं, क्योंकि विंटर्स है, थोड़ा बॉडी में ऑयल अब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, थोड़ी गर्मी रहनी चाहिए बॉडी में, और उसके बाद हम नूर को बाथ देंगे। सो गाइज, अभी 2:30 बजने वाले हैं और अब नूर थोड़ा सा हिल रही है, हिलना शुरू कर रही है। वो अपनी मसाज के बाद से सो रही है। आई थिंक मसाज के बाद सभी बच्चे बहुत अच्छे से सोते हैं। एंड हम अभी नीचे चले गए थे क्योंकि थोड़ी धूप निकली थी, तो मैं, सौरभ और कबीर गए थे। अदरवाइज़ क्या होता है कि या तो सौरभ कबीर चले जाते हैं या मैं कबीर चले जाते हैं, और कोई ना कोई घर पे पीछे नूर के साथ होता है। आज नानी थी तो हम दोनों ने इसका फ़ायदा उठाया और हम दोनों चले गए कबीर के साथ भी टाइम स्पेंड करने। अब बस नूर उठेगी, हीटर ऑन है, रूम बिल्कुल वार्म है, नूर को इसके बाद बाथ दिया जाएगा। एंड उसका फीट का भी टाइम हो रहा है, अगर वो 10 मिनट में नहीं उठेगी तो मैं उसे उठा दूंगी, क्योंकि दिन में मैक्सिमम 3 घंटे से ऊपर हम उसे फीड के लिए नहीं जाने देते हैं। नाइट फीड 4-5 घंटे हो जाए वो ठीक है इस स्टेज पे, बट दिन में बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क पे स्पेशली 2-3 घंटे में फीड ले लेना चाहिए। सो गाइज, 2:30 नूर उठ गई और अभी उसका फीड टाइम है, तो वो फीड ले रही है। अब इसके आधे घंटे बाद हम उसे बाथ देंगे। ऑब्वियसली प्रेफर ये होता है कि बाथ के बाद बच्चा फीड ले और फिर आराम से सोए। हाउएवर इस स्टेज पे इट इज़ ऑल चाइल्ड डिपेंडेंट, क्योंकि वो पहले फीड मांग रही है तो फिर हम पहले फीड कराएंगे। इससे क्या होगा कि वो बहुत हैप्पीली और पीसफुली बाथ लेगी, और बाथ के बाद अगर उसे भूख लगेगी तो थोड़ा सा फीड और करा देंगे। सो गाइज, नूर का बाथ टाइम चल रहा है अभी। वो आराम से अपनी बेथिंग चेयर में बैठी हुई है और आज उसका हो रहा है मिल्क बाथ, सिंपल मिल्क एंड वाटर से उसका बाथ हो रहा है। आज कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ होगा। एंड या प्रोडक्ट्स भी हम यूज़ करेंगे जल्दी, उसके बारे में आपको बताएंगे जब यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए सिंपल ये रखते हैं, बिकॉज बहुत ड्राइनेस है इस वेदर में और मिल्क से एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन मिलता है बच्चों को। सो इन्जॉय नूडू। सो गाइज, नूर अब रेडी हो रही है। अभी उसने पहना है ये हाफ रॉम्पर जो कबीर का है,
एंड कबीर के टाइम के ये सारे रोम्पर्स हमारे काम आ रहे हैं। ये फुल स्लीव्स का है। इसके ऊपर नूर पहनेगी हैंड निटेड स्वेटर। इससे एक अच्छा चेस्ट जो है वो गर्म रहता है और अच्छा वार्म्थ रहता है। थोड़ा सा उधड़ रहा है एक साइड से, इसको ठीक करना पड़ेगा। यस एंड नाउ इसके ऊपर हम पहनेंगे और कपड़े नहीं पहनना आपको। अब देखो ये जो नूर की आंखें हैं इसको आप देख के बता सकते हो कि उसे बहुत नींद आ रही है। बिकॉज टिपिकली मैंने देखा है कि 45 मिनट्स टू एन आवर वो अवेक रहती है, उसके बाद उसको वापस सोना होता है। तो अभी ऑलरेडी हो गए हैं या 40 मिनट्स तो हो ही चुके हैं। एंड इसके ऊपर ये पहन रही है एक वार्म लेयर स्वेटशर्ट और स्वेट पैंट। बस हो गया, हो गया, हो गया। ओ, अब उसको नींद बहुत तेज आ रही है। ओके इनकन है, क्या कंप्लेन करना है कि बात ऐसे क्यों दे दिया अभी। आज और सोने का मन था, आप उठ रहे नहीं थे, फिर क्या करते हम, बहुत देर हो गई थी। सो गाइस टाइम इज 3:20 एंड नूर सो गई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एनीवेयर बिटवीन 45 मिनट्स टू वन आवर मैक्स इस स्टेज पे बच्चे जो हैं अवेक रहते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं। स्पेशली एक वार्म बाथ के बाद तो बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है। सो अब वो सोएगी एटलीस्ट 2 घंटे, बट मुझे पता है कि बीच में हो सकता है वो फीड के लिए उठे, तो मैं जल्दी से अभी कर रही हूँ पंप यहीं पे बैठ के, और उसके बाद मैं उसका फीड रेडी कर दूंगी एंड जब वो उठेगी तो मैं उसे फीड करा दूंगी। एंड गाइज मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहती थी कि एक ब्रांड है जो आप ज़रूर चेक करो ऑन Amazon, इट इज़ प्लम बनी। हम नूर के लिए प्लम बनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं एंड द प्रोडक्ट्स आर रियली गुड एट अफोर्डेबल प्राइसेस। चाहे उसकी कैप्स हो, मिटन्स हो, बिब्स हो, ब्लैंकेट हो, स्वाडल शीट्स हो, टॉवल जो आप देख रहे थे वो हो, मस्टर्ड सीड्स पिलो हो, तो बेसिकली बच्चों से रिलेटेड जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती है ना, इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो डू चेक दैट आउट। आप यू नो इंस्टेड ऑफ यू आस्किंग मी क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, मुझे लगा पहले ही बता देती हूँ। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज अभी हो गए हैं 4:30। नूर अपनी नींद से ही उठ की गई है क्योंकि उसे भूख लगी है। लास्ट फीड उसने 2:30 पे लिया था, आप देख सकते हो उसकी आंखें भी बिल्कुल बंद हो रही है, मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम फीड फॉर हर, बट उसे इतनी भूख लगी है कि वो सो नहीं पा रही थी। सो लेट्स फीड हर। सो आज नूर को बर्प लेने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जो कि कभी कभी हो जाता है, 10-15 मिनट भी हो जाते हैं और कभी तो इमीडिएट बर्प आ जाता है। तो वो अब सो रही है, मुझे उसे सुलाना पड़ रहा है क्योंकि बीच में कभी 2-3 बार आके धड़म धड़ुम कर चुका है। तो अगर आपके घर में एक बच्चा और है जैसे कबीर 5 साल का है, तो ऑब्वियसली जो छोटे बेबीज़ होते हैं वो दिन के टाइम में डीप स्लीप बहुत ज़्यादा नहीं ले पाते, इसलिए नूर की काफ़ी नींद जो है वो टूटती रहती है और इसलिए मुझे काफ़ी बार उसे सुलाना पड़ता है। तो इट्स नॉट वेरी इजी कि एक बार वो सो गई तो चलो अब आराम से 2-3 घंटे सोएगी। वो बीच बीच में काफ़ी उठती है बिकॉज कबीर को भी इस रूम में काफ़ी आना होता है। फाइनली आधे घंटे की मेहनत के बाद 5 बजे नूर जग के सो गई है। नाउ वेट, नाउ यू हैव टू चेक द ऑब्जेक्ट दैट मैचेस द फ्रेज। इज द कैट आउटसाइड, व्हिच कैट इज आउटसाइड द बास्केट। तो क्लिक ऑन इट। सो गाइज इट्स 6:00 इन द इवनिंग। अब ये टाइम मेरा कबीर के साथ होता है, तो अभी कबीर को मैं ऑनलाइन वर्कशीट्स करा रही हूँ एंड इसलिए मुझे नूर को गोदी में रखना पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं उसे नीचे रखूँगी तो वो सो नहीं पाएगी। ऐसे मैं और कबीर बात करते रहेंगे तो भी वो सोती रहेगी। सो इट्स ओके। तो हम अभी भैया सो नूर ले रही है अपनी नेक्स्ट फीड और अभी ये ले रही है ब्रेस्ट मिल्क। सो मम्मा ने अभी फ्रेश पंप किया है और ब्रेस्ट मिल्क दिया है। मेरी नॉर्मली कोशिश रहती है कि मैं ब्रेस्ट मिल्क निकाल के स्टोर नहीं करूं बिकॉज ऑब्वियसली मुझे इतना ज़्यादा आता ही नहीं है, तभी 70% ब्रेस्ट मिल्क है और 30% फॉर्मूला है। तो नूर की फीड से लाइक आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले ही मैं मिल्क निकालती हूँ, रूम टेम्परेचर पर ही उसे स्टोर करती हूँ क्योंकि आप 4 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हो और मतलब फ्रेश ही दे देती हूँ। सो अच्छी सी फीड लेने के बाद नूर का भी हो रहा है डाइपर चेंज। नूर को बहुत मज़ा आता है जब उसका डाइपर चेंज होता है, उसको ऐसे खोल दो और वो जो लेग्स चलाती है मस्ती करके
पर प्रॉब्लम है कि ठंड में कर नहीं सकते तो वो ज़्यादा मस्ती कर नहीं पाती है अभी। सो गाइस डायपर चेंज होने के बाद नूर एकदम चिल्ड आउट है और अभी बैठी हुई है अपने रॉकर में। ये भी उसको बहुत अच्छा स्टिम्युलेट करता है, ये जो रैटल्स हैं उसकी तरफ देखती रहती है और जब ये हिलता है तो इसमें साउंड भी आती है। एंड अब तो उसने इनको हिट करना भी ट्राई करना स्टार्ट कर दिया तो उसका हाथ भी इन तक लग जाता है एंड शी फाइंड्स इट वेरी अमेजिंग। और वो अपने बॉडी वेट से रॉकर को खुद ही मूव कर लेती है जब हिलती है, तो आप देख सकते हो कितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो फोकस कर रही है इसके ऊपर। सो या दिस इज़ अ गुड एक्टिविटी, वो भी एंगेज्ड है और अब मैं भी अपना काम कर लेती हूँ थोड़ा सा व्हाइल शी इज़ ट्राइंग टू डू दिस। सो गाइज अभी बज चुके हैं 7:40, नूर अब सो गई है, उसे उठे हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट हो गए थे। अभी इस टाइम पे रॉकर में ही खेलते खेलते उसको नींद आ रही थी तो हमने उसे रॉकर में ही सुलाया बिकॉज ये शॉर्ट नैप होगी 40-45 मिनट्स की, इसके बाद फिर वो उठ जाएगी। और इस टाइम पे ना हमारे घर में बहुत एक्टिविटी हो रही होती है, बहुत आवाज़ें सब कुछ चल रहा होता है, तो बेड पे या कॉट पे लिटाने से वो 100% उठ जाएगी, तो हल्का सा हम रॉक कर देंगे अगर वो उठेगी या डिस्टर्ब होगी तो। सो इट्स 9:30 और नूर अपनी नेक्स्ट फीड ले रही है एंड इसके बाद वो सोएगी। 8:30 से वो उठी हुई है और 1 घंटा अच्छे से खेल चुकी है और फीड लेने के बाद ये नूर नानी की गोदी में सो रही है आराम से। और अब हम नूर की फेवरेट बुक पढ़ेंगे, दिस इज़ मंकी एंड मी। तो इसमें यू नो बेसिकली सारे वाइट पेजेस हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनी हुई हैं, कुछ भी नहीं है खास और थोड़े से कलर्स हैं। वैसे तो ब्लैक एंड वाइट कॉन्ट्रास्ट बच्चों के लिए बेस्ट होता है बट अभी मैंने मंगाया नहीं है सो दिस इज़ व्हाट आई हैव। सो या लेट्स रीड दिस टू नूरू, है ना, रात को हम पढ़ के सोते हैं ना। मंकी एंड मी, मंकी एंड मी, मंकी एंड मी वेंट टू सी, व्हाट डिड वी गो टू सी दिस टाइम नूर। सो गाइज अब नूर फीड ले रही है, उसको भी और भूख लग गई इतना खेलने के बाद, तो अभी वो ब्रेस्ट मिल्क पी रही है और अब काफ़ी स्लीपी है बट इस टाइम पे उसको सोने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आई थिंक अभी वो डे नाइट का डिफरेंस समझ रही है, डे में इतनी आवाज़ें इतने साउंड्स होते हैं और रात को एकदम से साइलेंस हो जाता है तो वो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए रात को थोड़ी अनइजीनेस शो करती है सोने में बट एक बार सो जाती है तो फिर ठीक हो जाती है। ओके सो लाइट्स डिम कर दी हैं, अब नूर को कर रहे हैं स्वॉडल। तो जैसे आपको पता होगा 14 जनवरी को नूर का पहला टूथ आया था और अब दूसरा भी आ गया है, तो उसे मेजर टीदिंग हो रही है, काफ़ी डिस्कम्फर्ट में है, बहुत छोटी है वो इतनी जल्दी दांत आने के लिए। सो उसको स्वॉडल करते हैं ताकि वो आराम से सो पाए। सो गाइस अभी बज चुके हैं 7:30 और नूर अपनी फीड ले रही है। इस फीड के बाद जब वो सो जाएगी तो वो सीधा 9-9:30 बजे ही उठ के अपनी नेक्स्ट फीड लेती है। सो गाइस दूध पी के बर्प करके नूर अभी यहाँ पे लेटी है और वो फैन को देख के खेल रही है थोड़ा सा, ये इसको सुबह करना बहुत अच्छा लगता है और बस विद इन अ फ्यू मिनट्स उसको वासी आएगी, जब वो वासी आएगी तो मैं उसको सुलाऊंगी।